हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप लोगों का सीनियर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज स्टूडेंट रजिस्टर चैप्टर 3 मोशन इक्वेशन इन स्टेट टाइम सर मोशन इन स्टेट टाइम। तो आज हम बात करेंगे मोशन इक्वेशन 4 की। तो मोशन इक्वेशन 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम किसी जर्नी को 10 सेकंड में कंप्लीट करते हैं, यानी ए रेस इज कंप्लीट इन द 10 सेकंड। तो हमें कुछ है कि आप 9वें सेकंड पर कितना डिस्टेंस कवर किया जाए। तो फॉर ए पार्टिकुलर टाइम हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय यू, ये दोनों आएगा मोशन इक्वेशन 4, उसे हम लोग मोशन इक्वेशन 4 कहते हैं। और मोशन इक्वेशन 4 का सीधा जवाब आता है यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट 2n-1 या 2t-1 ये लिख सकते हैं। तो मोशन इक्वेशन 4 में हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन एम सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन यन सेकंड। जैसे मान लो हम कोई जर्नी 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने 3 सेकंड में कितना किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक पार्टिकुलर सेकंड के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो इसमें हम सपोज करते हैं कि सपोज इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्या है यू, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है ये है, ठीक। तो अब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट, उसमें दो कंडीशन, एक होगा एन सेकेंड माइनस उससे एक सेकेंड पहले, हो गया एस एन माइनस वन, तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल एन सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस इन वन माइनस वन सेकेंड का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यह रहेगा डी एन इक्वल एस एन माइनस। तो देखो अभी हम दो रिजल्ट आते हैं, हम दो रिजल्ट निकालेंगे। पहला निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन एन सेकेंड बाई मोशन इक्वेशन सेकेंड, और एक बार निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन माइनस एक सेकेंड पहले का रिजल्ट निकालेंगे। तो अगर निकालेंगे दो इक्वेशन निकालेंगे ट्रेवल के लिए बाई मोशन बाय मोशन इक्वेशन सेकेंड यस इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। तो अब तो इसे अगर हम यूज करेंगे तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले बात करें फॉर एन सेकेंड के लिए निकालते हैं एन सेकेंड, तो जगह डिस्टेंस एस एन इक्वल यू प्लस हाफ ए अब टी के हमें क्या चाहिए हम निकालते हैं और एन माइनस वन सेकेंड यहां से जगह डिस्टेंस हो जाता है यू प्लस यू टी है यहां पे एन सूत्र है यू एन प्लस हो जाएगा यू इन ब्रैकेट एन माइनस वन प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते जाएगा यू एन माइनस वी प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन ए माइनस वी होल स्क्वायर, तो हम उसको छोड़ दिए। इसको हम थोड़ी देर तो जाएगा यू एन माइनस वी प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस दो से दो कट जाए तो जाएगा ए। तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या होता है सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया। तो अब डीएम का फॉर्मूला क्या हमने दिया था,
dn इक्वल टू अन डिस्टेंस इन सेकंड, तो dn को आपने रिजल्ट लिखा था sn sn माइनस 1 लिया था। इस रिजल्ट को हम पुटअप करते हैं तो देगा डिस्टेंस इन सेकंड इक्वल टू sn प्लस इक्वेशन फर्स्ट लिखो तो देगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब इस वैल्यू को लिखते हैं तो जगह यू एन माइनस प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन वैल्यू पहुंच। तो जब ये क्लोज हो गया तो आप देखा जब माइनस करें तो उसका ब्रैकेट संख्या का चेंज हो जाएगा तो जाएगा डिस्टेंस इन वन सेकेंड इक्वल यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अब हो जाएगा माइनस यूएन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस हाफ ए प्लस। तो यहां पर यूएन से यूएन कट जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस हाफ ए कट जाएगा तो हो जाएगा डी एन इक्वल क्या बचा यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन बचा। तो अब यहां पर हम प्लस क्या काम लेते हैं, प्लस अगर ए कॉमन लेते हैं तो प्लस अगर ए कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा एन माइनस हाफ आ जाएगा, ए कॉमन लेते हैं एन माइनस हाफ आ जाएगा और उसके बाद और ये हम तो एक रिजल्ट ये भी हो गया या डी एन इक्वल इसमें यू प्लस हाफ ए कॉमन लेते हैं जो जाता है टू एन माइनस वन ये भी रिजल्ट। अब जो कॉमन लेने आसान नहीं होता तो दिस इज द मोशन इक्वेशन फोर हो गया कि एट ए पर्टिकुलर टाइम हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके अब यहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेंगे। तो क्वेश्चन यह है कि ये पार्टिकल मूविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड है, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, ठीक है। तो t इक्वल टू 10 सेकंड 10 सेकंड तक को एक्सेलरेट हो, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड ये आपने करना है। तो d10 की वैल्यू को कितना निकालना है अंतिम एक सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दो कि हम एक बार टी इक्वल टू 10 सेकंड ले लें और एक बार टी इक्वल टू क्या 9 सेकंड ले लें। तो 10 सेकंड के रिजल्ट से हम 9 सेकंड के रिजल्ट को माइनस कर दें तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 10वें सेकंड में तय की दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ किया है तो अब यहाँ पूछ सकते हैं हम लोग डिस्टेंस कवर इन लास्ट 1 सेकेंड डी एन इक्वल यू प्लस हाफ ए यू बैक ए टू एन माइनस वन। ओके ये फॉर्मूला तो अब क्योंकि 10वें सेकेंड का निकालना टी इक्वल टू कितना दिया 5 मीटर पर सेकेंड तो 5 प्लस हाफ इंटू टू इंटू 10 माइनस वन तो ज्यादा 5 हो तो कट जाए प्लस 20 माइनस 8 हो जाएगा 5 प्लस कितना 90 इक्वल कितना एंड दैट इज दिस ऑब्जेक्ट वी मूव इन लास्ट 1 सेकेंड इज 24 मीटर। और फिर कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकालने का भी लिखेंगे बाय मोशन इक्वेशन सेकंड एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा।
ये हो गया कि जैसे मान लो कि रेस जब कंप्लीट हुआ तो 9 सेकंड के बाद से तो यानी जो 9 सेकंड के बाद से बाद में 10वां सेकंड स्टार्ट हुआ तो उस अंतिम 1 सेकंड में यह ऑब्जेक्ट जो है 24 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब हम आते हैं मोशन इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। क्या यानी जो हम लोग अभी मोशन इक्वेशन को मैनुअल मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं अब उसी को हम लोग कैलकुलस मेथड से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मोशन इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, मोशन इक्वेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग यहां पे टर्म आ गया dx।
है, यहाँ पर लिमिट नंबर क्या होगा, जीरो टी एक्स होगा, यहाँ पे डी टी एक्स इसका लिमिट जीरो टू टी होगा, यहाँ पे टी है डी टी है इसका लिमिट क्या होगा, जीरो टू टी होगा। तो ये रिफर टर्म सुनने आते हैं, तो अब यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेटेड जीरो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा जीरो टू टी यू डी टी प्लस यहाँ हो जाएगा जीरो टू टी ए टी इंटू टी। इसको सॉल्व करना जाएगा एक्स लोअर लिमिट जीरो टू एक्स हो गया, यहाँ हो जाएगा यू को बाहर कर देते हैं तो जीरो टू टू डी टी हो जाएगा और यहाँ पे बाहर कर देते हैं जीरो टू टी प्लस टी इंटू डी टी हो जाएगा एक्स माइनस जीरो इक्वल यू इन ब्रैकेट यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगा डी टी वैल्यू हो जाएगा और प्लस ए। अब यहाँ पर यहाँ पे टी की पावर वन है तो उसमें इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर एन कौन को तो एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि एक पावर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा तो जितना पावर ऊपर आएगा वो नीचे पावर भी आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स इक्वल यू इन ब्रैकेट टी माइनस जीरो प्लस हाफ इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस जीरो तो जाएगा एक्स इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब चूंकि हम एक्स इक्वल टू लिखें तो चूंकि अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस पर तो एक्स माइनस एक्स नॉट हम ला सकते हैं यहां पर एक्स को जम सॉल्व करते एक्स माइनस एक्स नॉट लिख सकते हैं उसको तो एक्स माइनस एक्स नॉट को हम क्या लिखते हैं तो एक्स माइनस एक्स नॉट कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट होता है मोशन इक्वेशन वेलोसिटी पोजीशन यहां पर लिखते हैं बाई एक्सेलरेशन तो बाई एक्सेलरेशन है ए इक्वल डी वी बाई डी टी आई जिसमें हम दोनों साइड में इसमें हम डी एस बाई डी एस का मल्टीप्लाई करते हैं ओके डी एस बाई डी टी तो हो जाएगा ए इक्वल डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई इसमें यहां करें इसमें यहां तो जाएगा ए इक्वल टू वी इन डी वी बाई डी एस हो गया और यहां समकास मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ए ए इंटू डी एस इक्वल टू वी इंटू अब यहां पर हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो जब यहां पर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां पर क्या होगा यहां पर लिमिट आ जाए डी एस है तो डिस्टेंस इनिशियल टू पॉइंट हो जाएगा एडीएस नहीं एडीएस यहां पर जीरो टू एस हो जाएगा इनिशियल जीरो टू एस हो जाएगा इक्वल टू यहां पर डी भी है हो जाएगा यू टू भी डी तो यहां पर मैं ए को बाहर कर दिया तो जीरो टू एस इंटू डी एस इक्वल यू टू ही डी इंटू डी इंटू डी भी कर दिया हो जाएगा ए यहां पर डी एस आ जाएगा और यहां पर जाएगा इक्वल अब भी है तो क्या हो जाएगा भी पे पावर टू किसके साथ डी भी लगा दिया डी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इसका भी हो जाएगा हो जाएगा ए इन ब्रैकेट एस माइनस जीरो इक्वल टू हाफ और यहाँ हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर उनको बाहर करते हैं तो एक बार इसके अलावा जी को रिप्लेस करेगा एक बार इसके अलावा यू को रिप्लेस करेगा तो हो जाएगा टू ए एस इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड इट इज द मोशन इक्वेशन थर्ड।
ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा इंटीग्रेशन मेथड में है। ये इंटीग्रेशन मेथड से हम ऐसे ही प्रूव करते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आफ्टर दिस वी आर सॉल्विंग द सम नोन न्यूमेरिकल्स ऑन द रिलेटेड मोशन इक्वेशन। थैंक यू एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।